kinds of people in this world, givers and takers. Takers may eat better, but givers sleep better. Hello, my name is Lipika and welcome back to my channel. Now, today's video is extremely important because the product that I'm going to review is very close to my heart. Let me share a story with you. जब मैं छोटी थी ना तो क्या करती थी, अपनी मॉम की लिपस्टिक्स को चुपके से लगा लेती थी और मैं मेक श्योर करती थी कि मैं लिपस्टिक्स अच्छे से लगाऊं, तो मैं पूरे इस एरिया में लिपस्टिक लगा लेती थी क्योंकि छोटे बच्चे को ऑफ कोर्स क्या पता होगा कि लिपस्टिक्स कैसे लगाते हैं। तो पापा पहले मेरा फोटोशूट करते थे, उसके बाद मम्मी मेरी पिटाई करती थी क्योंकि ऑफ कोर्स मॉम्स को नहीं पसंद होता कि छोटे छोटे बच्चे मेकअप करें, राइट। तो टिल डेट मेरी ये हैबिट है कि मैं मॉइस्चराइजर अप्लाई करती हूँ, सनस्क्रीन अप्लाई करती हूँ एंड लिपस्टिक अप्लाई करती हूँ एंड आई एम गुड टू गो, क्योंकि डेली मेकअप करना मेरे बस की बिल्कुल बात नहीं है। बिकॉज ए आई एम वेरी लेजी एंड बी आई फील कि डेली मेकअप करना इज लाइक डैमेजिंग फॉर द स्किन, तो इसलिए मैं डेली मेकअप नहीं करती। बट मुझे लिपस्टिक्स लगाना बहुत पसंद है और मैं लिपस्टिक्स पर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। तो अगर आपको भी मेरी तरह लिपस्टिक्स लगाना बहुत पसंद है देन कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो, बिकॉज इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर अ सुंदर, सस्ता एंड टिकाऊ सॉल्यूशन फॉर यू। बट बिफोर दैट, इफ यू थिंक दिस वीडियो इज गोना बी एक्साइटिंग एंड यूजफुल फॉर यू, प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल, विच इज सो इम्पॉर्टेंट। द प्रोडक्ट दैट आई एम गोइंग टू रिव्यू इज अ लिक्विड लिपस्टिक, दैट इज फ्रॉम बेला वॉस्टे अल्टीमैट लिक्विड लिपस्टिक। ये आती है कुछ इस तरह की सिल्वर पैकेजिंग के अंदर एंड द एमआरपी ऑफ दिस लिपस्टिक इज 299 रुपीस। आई हैव टू शेड्स इन इट, स्वीट क्ले एंड डार्क फॉन, जो कि परफेक्ट शेड है अगर आपकी स्किन टोन मेरी जैसी है जो कि मीडियम टू डीप है, ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द टैनिंग ऑनेस्टली। तो वैसे मेरी स्किन टोन मीडियम टू डीप है, तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि मेरे पास लिपस्टिक के ऐसे शेड्स हो जिन्हें मैं बेयर फेस या फिर विदाउट मेकअप भी अप्लाई कर सकूँ और वो अच्छे लगे। तो अगर आपकी स्किन टोन मेरी जैसी है या बेसिकली कोई भी स्किन टोन है तो ये बहुत ही अमेजिंग शेड्स हैं। मैं आपको इनके स्वॉचेस दिखाती हूँ नॉर्मल लाइट में एंड नेचुरल लाइट में, उसके बाद वी विल गोइंग टू टॉक फर्दर अबाउट दीज लिप्स। आई हैव लॉट ऑफ लिपस्टिक्स, मुझे लिपस्टिक्स लगाना बहुत पसंद है, जैसे कि मैं ऑलरेडी 10 बार इस वीडियो में कह चुकी हूँ। और मेरे पास बहुत सारी लिपस्टिक्स भी हैं, इनफैक्ट अगर मुझे किसी से गिफ्ट भी मिलना होता है तो मैं यही कहती हूँ कि प्लीज मुझे लिपस्टिक्स ही देना। बट बेला वॉस्टे की अल्टीमेट लिपस्टिक्स में मेरे पास सिर्फ 2 शेड्स है, मैंने इसके और भी शेड्स मंगवाने हैं। अब बात करते हैं इन दोनों शेड्स के बारे में, तो एक है पिंकिश न्यूड एंड दूसरा है ब्राउनिश न्यूड। मुझे न्यूड कलर्स लिपस्टिक्स में बहुत अच्छे लगते हैं और इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरीके की है, ये सिल्वर कार्डबोर्ड में आता है, ठीक है। एंड लेट्स सी कि कंपनी क्या क्लेम करती है इस प्रोडक्ट के बारे में, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली ये प्रोडक्ट कैसा है। तो इसमें लिखा है कि इट हैज सिल्की स्मूथ एंड लाइट वेट टेक्सचर, फुल कवरेज विद प्योर मैट फिनिश, लॉन्ग लास्टिंग एंड ट्रांसफर प्रूफ, विटामिन ई फॉर मॉइस्चराइजिंग लिप्स, एक्सीलेंट कवरेज एंड इंटेंस कलर पे ऑफ, वन स्ट्रोक एप्लीकेशन, परफेक्ट कलर डज नॉट ब्लीड ऑन लिप्स, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड एंड अप्रूव्ड। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये प्रोडक्ट डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड एंड अप्रूव्ड है। अगर आपकी बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन है तो भी आप इस लिपस्टिक को परचेज कर सकते हो आराम से। साथ के साथ हाँ, ये लाइट वेट है डेफिनेटली, इसको अप्लाई करने के बाद ऐसा लगता नहीं है कि लिप्स पर मैंने लिपस्टिक अप्लाई करी हुई है। और इसका कलर बहुत अच्छा है, बहुत इंटेंस कलर है, फुल कवरेज है और ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता क्योंकि मेरे पिगमेंटेड लिप्स हैं। तो मुझे जरूरत होती है एक ऐसी लिपस्टिक की जो डेफिनेटली मेरी पिगमेंटेशन को कवर कर सके। मैं लाइट कलर लिपस्टिक्स को बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकती क्योंकि उससे मेरे लिप्स और भी ज्यादा अजीब लगते हैं। नेचुरली मेरे लिप्स उम्रे हैं तो मुझे जरूरत होती है इसी तरह की लिपस्टिक की। तो ये बहुत अमेजिंग लिपस्टिक है क्योंकि ये फुल कवरेज देती है, वन स्ट्रोक में अच्छे से अप्लाई हो जाती है, परफेक्टली मैट लिपस्टिक है। इसकी एक प्रॉब्लम है जो है कि ये थोड़ी सी ज्यादा ड्राइंग है। अगर आपको ड्राइंग लिपस्टिक नहीं अच्छी लगती तो आप एक चीज कर
सकते हो कि इसे अप्लाई करने से पहले अच्छे से लिप बाम अप्लाई कर सकते हो, कोई भी लिप बाम, या फिर आप वैसलीन भी अप्लाई कर सकते हो, छोटी सी 5 रुपए की आती है, या फिर वादी हर्बल्स का लिप बाम जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, जिसका रिव्यू काइंड ऑफ शेयर किया था मैंने, वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। वो 52 रुपीज का आता है, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वो परचेज कर सकते हो और उसके ऊपर इस लिपस्टिक को अप्लाई कर सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो, लिपस्टिक लगाने के बाद ऊपर से लिप बाम लगा सकते हो, बट लिप बाम लगाना इज इम्पॉर्टेंट, बहुत बहुत जरूरी होता है, वरना लिपस्टिक बहुत पैची हो जाएगी, बहुत बुरी दिखेगी। अब बात करते हैं लिपस्टिक्स की स्टेइंग पावर की, तो ये लिपस्टिक 7 to 8 hours आराम से स्टे कर जाएगी, बट अगर आप कुछ ऑयली खाओगे तो यू नो मिडिल से थोड़ी सी फेड आउट हो जाती है। वेल दैट प्रॉब्लम इज विद ईच एंड एवरी लिपस्टिक, क्योंकि अगर आपने लिपस्टिक लगाई हुई है तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना होता है, अदरवाइज इट इज वाटर प्रूफ एंड 7 to 8 hours बहुत अच्छे से स्टे कर जाती है। इस लिपस्टिक को रिमूव करना चाहते हो तो कोई भी ऑयल बेस्ड मेकअप रिमूवर से रिमूव कर सकते हो। मैं कोकोनट ऑयल को लिप्स पे लगाकर अच्छे से मेल्ट होने देती हूँ लिपस्टिक को, उसके बाद एक क्लीन कॉटन से रिमूव कर देती हूँ। ये लिपस्टिक आपको आराम से अमेजोन, नाइका, फ्लिपकार्ट, purple.com पर हर जगह मिल जाएगी, बट purple.com पर ये हमेशा डिस्काउंट पे रहती है, तो ये 35% डिस्काउंट में आपको 194 रुपीज की मिल जाएगी। लाइक 299 रुपीज की लिपस्टिक आपको 194 रुपीज में मिल रही है, विच इज अमेजिंग। अगर आप इंटरेस्टेड हो इसे परचेज करने में तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स पे आप क्लिक करके परचेज कर सकते हो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो बहुत बहुत अमेजिंग लगी होगी। And you are going to like it, share it with all your friends. If you are doing that already, why are you not subscribing my channel, which is so important? Please do that and do press that bell icon so that you get notified each time I upload a video. And also, if you want to say anything related to this video, you can always comment down below. Until next time, bye-bye.